महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन में राम सीढ़ी के पास स्थापित डमरूकेश्वर महादेव 84 महादेवों में चौथे नंबर पर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैवस्तव कल्प में रुद्र नामक असुर के व्रज नामक बलि पुत्र था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तब देवताओं और ऋषियों ने मंत्र साधना की। उनके सामने कृत्या उत्पन्न हुई। उसने देवताओं से अपनी आराधना का कारण पूछा। यह जानने पर कि व्रज का नाश करना है, उन्होंने अट्टहास किया। इससे कई कन्याएं उत्पन्न हुई। उन सबने मिलकर व्रज से भयंकर युद्ध किया। तब व्रज ने तामसी नामक माया उत्पन्न की। उस अंधकार से घबराकर कृत्या उन कन्याओं के साथ महाकाल वन में आ गई। व्रज भी अपनी सेना लेकर वहां आ गए। उस समय नारद जी मंदरांचल स्थित शिव के पास गए और व्रज द्वारा देवताओं के प्रभाव से उन्हें अवगत करवाया। शिवजी महाकाल वन में आए। वहां दानवों की सेना को देखकर उन्होंने अपना भयंकर डमरू बजाया। इससे दानवों की सेना मोहित हो गई। डमरू की ध्वनि से वहां एक लिंग उत्पन्न हुआ। उस लिंग से जो ज्वाला उत्पन्न हुई, उससे राक्षसों की सेना भस्म हो गई। डमरू से उत्पन्न होने के कारण यह शिवलिंग डमरूकेश्वर कहलाया। इसका दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त होती है और रुद्रलोक मिलता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।